हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने काफी सारी रिएक्शंस करी थी, जो OH लगाया था, H लगाया था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के जगह पे, CnCl, BrI, ये सब लगाया था। लेकिन फ्लोरीन लगाने की अलग टेक्निक है, अलग रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, बेसिकली लिखवाई भी हुई है पहले, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो नाम था उसका बाल्स स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो जल्दी से बस लिख लेते हैं, N2 प्लस Cl माइनस HF डाल रहे थे, प्लस BF3 लुईस एसिड, इससे बन रहा था N2 प्लस BF4 माइनस, हीट कर रहे थे इसे, हीट करने पे यहाँ पे फ्लोरीन आके लग जा रहा था, प्लस N2 प्लस BF3 निकल जा रहा था वापस से। ये जो होता है स्टेबल एट क्या होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज स्टेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम पहले कर भी चुके थे, एक बार पहले भी लिखवाई हुई है, डायज़ोनियम सॉल्ट से फ्लोरीन बनने की रिएक्शन, एक बार यहाँ पे फिर से लिखवा दिए। तो अब हम अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहे इस रिएक्शन का, बेसिकली मतलब ये जो भी बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, वैसे तो हम बोलते हैं कि फिनाइल कार्बोकेटायन कभी बनता नहीं है, बहुत अनस्टेबल है, लेकिन इस रिएक्शन में देखा गया क्योंकि N2 प्लस इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, कि हम यहाँ पे भी क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे वो है क्या, यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म अगर तो कुछ बोल रहे बंधन, अपना माइक ऑफ कर लो, चलिए पर कोई बात नहीं। हम लोग अब देखते हैं एमिनेशन डीएमिनेशन क्या है, जैसे हम पहले एमीन बनाते हैं और उससे फिर अमीन हटा भी देते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी काफी कन्वर्जेंस में भी काम आते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन एमिनेशन डीएमिनेशन, ये पढ़ना है क्या होता है एमिनेशन। तो अगर एमिनेशन मतलब क्या, बेंजीन पे एनिलीन लगाना है, कैसे लगा देंगे, अब तो बहुत ईजी लगाना है, HNO2 डालेंगे प्लस HCl, सॉरी HNO2 डाला तो HCl डालने की जरूरत नहीं है, NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, HNO2 डाला, सॉरी HNO3 प्लस H2SO4, जिससे क्या आएगा हमारा नाइट्रो ग्रुप आएगा, फिर इसको क्या कर देंगे रिडक्शन कर देंगे, तो 10 HCl डाल दो, फिर जो भी डाल दो, इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स पड़े थे हमने मतलब हाँ इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स पड़े थे NO2 से H2 बनाने के, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एमिनेशन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा रिएक्शन का। अब इसका क्या करना है, डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन की स्टेप्स भी हम सीख चुके हैं, बताओ क्या क्या है, क्या कर सकते हैं, दो स्टेप में होगी रिएक्शन, ये डायज़ोनियम बनाते, हाँ डायज़ोनियम, फिर बताओ डायज़ोनियम, फिर डालते हैं H3PO2, H3PO2 डाल के हीट कर दो, तो डायज़ोनियम हट के क्या जाता है, उसकी जगह H आ जाता है, तो दिस प्रोसेस इज डीएमिनेशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का बहुत फायदा भी उठाता है, कैसे, जैसे कि एप्लीकेशन अगर हम देखें इस रिएक्शन की, दैट इज बेंजीन, और बेंजीन से क्या बनाना है हमें, ये बनाना है Br, Br and Br, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली Br लगा के इस रिएक्शन को स्टार्ट करूंगी, तो जो दूसरा Br मिलेगा मुझे मेटा पे नहीं मिलेगा, वो या तो ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, तो उस रिएक्शन को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें वही NH2 लगाते हैं, ठीक है, NH2 लगाएंगे, NH2 लगाएंगे तो फिर ऑर्थो पे भी आ जाएगा और एक साथ बल्कि तीनों पोजिशन पे आता है, दोनों ऑर्थो पे आता है, पैरा पे भी आता है, तो NH2 लगाने के बाद तो रिएक्शन करना बहुत आसान है। HNO3 फिनॉल भी यूज कर सकते थे, लेकिन फिनॉल को यूज कर लेते तो उस OH को हटाना मुश्किल था, नाइट्रोजन को लगाना और हटाना दोनों ही आसान है, ठीक है। HNO3 प्लस H2SO4 और सेकंड में क्या, 10 HCl, तो हम क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, इसमें डाल देंगे Br2H2 या Br2Fe, कुछ भी डाल दो, NH2 Br आ जाएगा एक ही स्टेप में तीनों जगह पे, और यहाँ से यहाँ बनाने के लिए क्या कर देंगे, डीएमिनेशन कर देंगे। डीएमिनेशन के लिए क्या करेंगे, पहले इसको बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, HNO2 और फिर
H3PO2 हीट, तो हमारा ये एनिलीन वाला जो NH2 है हट जाएगा, ठीक है, और हमें सिर्फ BRBR मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं इस एमिनेशन डिएमिनेशन को, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना हो, चलो अगर मुझे बनाना है, इफ आई हैव टू मेक दिस, कहां से, बेंजीन से, कैसे करेंगे, सेंडनेस रिएक्शन। हाँ, तो बस ये वाला स्टेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, वहां तक ठीक है, लगा दिया। अब क्या बनाना है, NH2 की जगह H नहीं लगाना है, NH2 की जगह क्या लगाना है, BR लगाना है, तो CuBr डाल देंगे, ठीक है। अब इसना इसे कंफ्यूज मत हो जाना कि NH2 की जगह BR आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लिखने का सिमेट्रिक तरीका है, कैसे भी लिख लो उसको, ठीक है। वो NH2 की जगह BR नहीं आया, NH2 की जगह कहीं H ही आया, मान लो यहाँ पे H आया, तो यहाँ पे NH2 होगा, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल टेढ़ा करते हैं, फर्स्ट बात करेंगे HNO3 प्लस H2SO4, मतलब अगर स्टेप्स में हम लिखे हैं, फर्स्ट स्टेप ये, दूसरा स्टेप TinHCl, तीसरा स्टेप Br2H2O, फोर्थ स्टेप HNO2 एंड फिफ्थ स्टेप इज CuBrKBr, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। चलिए अब बनाना है हमें Br, Br, Br and Br, अब किसे बनाएंगे, सॉरी सेम लिख दिया ना मैंने, ये अब बताओ कैसे बनाएंगे, इतने सारे बीआर लगे हैं और एक एक्स्ट्रा मेटा पे बीआर आ गया पहले के कंपैरिजन में, NO2 ऐड कराने की जरूरत क्या है, NO2 तो बनता ही रिएक्शन में, फिर डाइजोनियम बना के रिमूव, फिर से डिएमिनेशन, फिर से एमिनेशन, फिर से दो बार कराओगे सेम चीज, ये रिएक्शन में कहीं बीच में हो सकता है काम। इस स्टेप से क्या आया, HNO3 प्लस H2SO4 आ गया, ठीक है, तो NO2 आ गया होगा एक जगह पे, मान लो इस जगह पे NO2 आया होगा, बाद में हमने इस पे सैंडमेल कराने से जो करा दिया, ठीक है, तो इधर ही इसके बाद क्या करा देते हैं, इसके बाद करा देते हैं ब्रोमिनेशन, करा देते हैं NO2 की प्रेजेंस में, NO2 की प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, तो जो इनकमिंग जो ब्रोमीन है वो कहाँ आएगा, मेटा पे तो आएगा, क्योंकि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन जो होगी, मतलब जो आएगा BR जहां पाएगा वो कहाँ आएगा, मेटा पे आ पाएगा, ठीक है। तो अब रिड्यूस कराने से पहले एक स्टेप भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, बाकी के अब स्टेप्स हम फिर से सेम कर लेते हैं, अब 3 पे कर लेते हैं इसको TinHCl, 4 पे कर लेते हैं फिर Br2H2O, 5th पे कर लेते हैं HNO2 एंड 6th पे कर लेते हैं CuBrKBr, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं, अगर ये NH2 है और NH2 है, ठीक है, इसमें हमने डायजोनियम बनवाया, तो एक किसी का डायजोनियम बनेगा N डबल बॉन्ड N प्लस, ठीक है, देखो ये कैसे आया होगा, चलो मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देती हूँ उसका, ये होता है, इस पे प्लस आता है जनरली, ठीक है, इसको तुम ऐसे शिफ्ट कर दो, एक बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दो, तो क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N प्लस, इस पे N प्लस आ जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ के वहां की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, NH2 तो है ही, तो ये NH2 उधर इंटरनली अटैक कर लेता है, इधर अटैक कर लेता है इसको, और क्या बन जाता है स्ट्रक्चर, बेसिकली दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड N डबल बॉन्ड N NH, ये ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर बन जाता है अगर दो दो NH2 और तब हमने ये पहली रिएक्शन करा है, ठीक है, तो ये देख लेना। चलिए अब हम शुरू करते हैं अमीन्स, मतलब इसी के अंदर हमने करा है, तो बेसिकली देख लेते हैं, इसे खत्म कर लेंगे इसमें भी काफी हद तक। बात करते हैं, फर्स्ट इज हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन
इसके अंदर जो है ब्रोमोवाइड रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, डिग्रेडेशन। तो क्या होता है इसके अंदर, रिएक्शन इज सी डबल बॉन्ड ओ एनएच टू, इसमें डालते हैं बी आर टू के ओ एच, इसकी जगह क्या लिखा हो सकता है, के ओ बी आर भी लिखा हो सकता है, ठीक है, या फिर ओ बी आर माइनस ये भी लिखा हो सकता है, तो कुछ भी लिखा हो सकता है इसकी इसकी जगह पे, ठीक है। और हमें फाइनली क्या मिलता है, आर एन एच टू प्राइमरी अमीन मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली प्योर प्राइमरी अमीन होता है, तो अच्छा मेथड है प्राइमरी अमीन बनवाने का, 1 डिग्री। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं जरा। मैकेनिज्म हमारा कहता है कि ये है NH और NH, ठीक है, इधर है OH माइनस, क्या करेगा, एसिड बेस करेगा, इससे ले लेगा H, H ले लेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव और एच, ठीक है, ये बना। अब मेरी रिएक्शन में है बी आर एंड बी आर, तो नाउ दिस नेगेटिव कैन अटैक ऑन बी आर और ये बॉन्ड तोड़ देगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, या तो ऐसे लगा लो एन एच एन एच बी आर, पुट इट लाइक दिस। चलिए अब हमारे पास ओ एच माइनस फिर से है, ठीक है, फिर से क्या करा देगा, एसिड बेस करा देगा, फिर से एच ले लेगा, तो यहां से दिखा दो क्या मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव Br। अब ये स्टेप है थोड़ा क्या, जैसे इधर बाहर पॉजिटिव लगा दो K प्लस, मत लगाओ तो भी चलेगा, क्या है सॉल्ट बना है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, कैसी रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट, ठीक है। बेसिकली अगर तुमने क्या नाइट्रीन्स वैसे तो नहीं पढ़े होंगे, देखो इधर क्या बनता है, इधर अगर इंटरमीडिएट की बात करें ना, एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट पहले बनेगा, कैसे बनेगा, जैसे ये एन नेगेटिव है, यहाँ से क्या बना लो, एक एनायन निकाल लेंगे, तो जैसे कार्बन पे एनायन होता है और कार्बन में से एक और एनायन निकाल लो, कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसमें से एनायन निकालो तो कार्बिन बनती है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें से निकाल लो ब्रोमीन, बी आर माइनस निकालो तो उसमें भी नाइट्रीन बनती है, हम बोलते हैं इनको नाइट्रीन्स बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, दीज आर नाइट्रीन, ठीक है, तो ऐसे नाइट्रीन, ठीक है, तो ये होता है और दोनों पे ऐसी है। तो अब क्योंकि नाइट्रीन बनती है तो नाइट्रीन इज अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन एक्चुअली में आपस में रीअरेंज होती है, मतलब ये अंदर ही इंटरमोलिकुलर टाइप रीअरेंजमेंट होता है, कैसा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के ये आर एक्चुअली में सी पे अटैक करता है और ये एन ऐसा हो जाता है, मतलब एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस पे आके शिफ्ट हो जाते हैं, तो फाइनली क्या बनता है, हमें बस ये याद रखना है कि फाइनली क्या बनता है, हम बोलेंगे कि 1 to R- शिफ्ट हुई और हमें बना R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये जो जो चीजें बन रही है ना, याद रखो क्या क्या बन रहा है, अल्काइल आइसोसाइनेट, H3+ और RnH2, पॉइजनस गैस है ये अल्काइल आइसोसाइनेट, क्या मतलब पॉइजनस है हम लोगों के लिए, अगर ये गैस होती है और अगर हम लोग इनहेल करते, बेसिकली दिस मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें यही गैस थी जो रिलीज हुई थी, इसी की वजह से डेथ हुई थी इतने सारे लोगों की, ठीक है, जो लीक हुई थी बेसिकली, ये वाली गैस थी बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनेट। तो क्या क्या हुआ, पहले तो नाइट्रीन टाइप का इंटरमीडिएट बनता है इसके अंदर, वो नहीं भी मतलब ये चीज भी याद रखना और एक ये चीज भी याद रखना कि ये चीज है कि ये भी इंटरमीडिएट है इसमें, क्योंकि इनके बीच इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली मैकेनिज्म के अंदर से, जो ऐसी फेमस रिएक्शन होती है। बात करते हैं एग्जांपल्स की, चलो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ये है NH2, इसमें डाला Br2KOH, क्या मिल जाएगा, MeNH2 मिल जाएगा, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड हटा दो, बस क्या बना दो, अमाइड से क्या बन रहा है, अमीन बन रहा है। चलिए बात करें अगर डबल बॉन्ड NH2, सेम चीज डालो तो क्या बन जाएगा, ये अगर हम ये लें NH2 C डबल बॉन्ड NH2, तो क्या इसमें रिएक्शन होगी, हाँ होगी इसमें रिएक्शन, इसमें बनता है NH2, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम पता है, डायनामो,
डायमाइन, हाइड्रोजीन भी कुछ होता है शायद, यस मैम, है ना, पढ़ा होगा जब, चलो भी पढ़ोगे कार्बोनिल्स में भी वैसे, पर जैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए था, तो इधर होगा तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है, इसमें तो इन सब में भी होती है, चीज ध्यान रखना। चलिए अगर, चलिए अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज देखना चाहे कि रीअरेंजमेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता, तो वो नहीं पड़ता। तो ये NH2 है, ठीक है, तो अगर इस कार्बन का, मान लो इस कार्बन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है R है, तो यही तो रीअरेंज होके जाने वाला है ना N पे, तो जो रीअरेंज होके N पे जाएगा फिर फाइनली NH2 बना देगा, तो क्या होगा, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बदलती, तो बेसिकली R है तो ये R ही रहेगा, PH HME NH2, ठीक है, तो ये R था और R ही रहेगा, तो क्या होगा R, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ऐसे कुछ नहीं चेंज आएगा। बात करते हैं, चलो अच्छा ये ना क्या है, ये देखो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, ये भी याद रखना इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, इस पे से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे इंटरमोलिकुलर नहीं बनाना गलती से भी, क्वेश्चन क्या है, जैसे ME C डबल बॉन्ड हो ME NH2, ठीक है, ET C डबल बॉन्ड हो NH2, और ये क्या है N15 है, ठीक है, Br2COH डाला, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये जो N15 होगा ये नाइट्रोजन किसके साथ होगा, इसके साथ ही होगा, अगर जैसे इंट्रामोलिकुलर होती, मतलब कोई और किसी का N, किसी का N किसी और के, किसी और मॉलिक्यूल से, मतलब ये अरेंजमेंट अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मुझे कैसे मिक्स प्रोडक्ट्स मिल सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलता है, MeNH2, MeNH2 प्लस ETNH2 15 वाला ये मिलता है, ठीक है, अगर मान लो अलग जैसे दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो रहा होता, तो मुझे क्या मिलता है, ये ME क्या करता है, इस NH2 के साथ भी बॉन्ड बना सकता था, और ये वाला ET इस वाले NH2 के साथ भी बॉन्ड बना सकता था, ठीक है, तो मिक्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट यही मिलता है, तो उसका मतलब इंटरमोलिकुलर है। इसमें भी क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, एक क्वेश्चन है जैसे C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस D C डबल बॉन्ड O NH2 15, ये है, इसमें से देखना है क्या, इसमें था क्या, इसमें क्या बनेगा, हमने क्या डाला, Br2COH डाला, तो बेसिकली इन्होंने D भी दे दिया, तो इधर जो बनता है वो क्या बनता है, NH2 और NH2 और D, बेसिकली इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में कोई मतलब नहीं है, जो भी रिएक्शन कराने वाले अपने अंदर अंदर कराने वाले हैं, ठीक है, तो कोई मिक्स प्रोडक्ट्स नहीं बनाना, ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें से। चलिए बात करते हैं हॉफमैन मिथाइलेशन, बेसिकली जो प्रिपरेशन वाला मेथड है उसका, लेकिन नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, तो सेकेंड इज हॉफमैन मिथाइलेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और अमोनोलिसिस भी बोल देते हैं इसको, अमोनोलिसिस, और अगर मैकेनिज्म की बात करें तो दिस इज SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो MeCl है मेरे पास, कोई RX है बेसिकली, और इसमें हमने क्या डाला, अमोनिया डाला, ठीक है, अमोनिया डाला, तो अमोनिया क्या करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा और इसको निकाल देगा, तो क्या मिलेगा, Me और मतलब HCl निकल जाएगा, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, और क्या मिलेगा, MeNH2 मिलेगा, ठीक है। अब इस MeNH2 में क्या है, फिर से ये जो MeCl है यहीं पे डाल दो, मतलब MeCl तो रिएक्शन में है अभी, ये क्या वापस से इससे भी रिएक्ट कर सकता है, फिर से क्या होगा, Me N Me और H बचेगा और HCl फिर से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस HCl कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस HCl कर देते हैं, फिर से MeCl है तो इजिएस्ट रिएक्शन प्रोसेस, फिर से इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, Me N Me Me, ठीक है, तो फिर से हो जाता है माइनस HCl, ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकती, स्पेशली मिथाइल वाली तो बिल्कुल नहीं रुकेगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी कम है, फिर से रिएक्ट कर जाता है और ये निकाल देता है इसको, तो इसमें हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब भी मैं इससे कुछ अलग तरीके का अमीन बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो इट इज नॉट अ गुड मेथड, ये मिल जाएगा सॉल्ट आखिरी में। चलिए
तो ये वाला सॉल्ट है, अगर जनरली लिखना चाहे RCl से इस वाली रिएक्शन को। हाँ बोलो मैम, ये वाली रिएक्शन जैसे हमने फ्री रेडिकल वाली की थी लास्ट तक, फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन करी थी, तो मैम जैसे उसमें लास्ट तक हमें सॉल्ट जैसे मिला था KCl4 तक मिला था, तो इस तरह ही करना है ये वाला भी। KCl4 तक क्या था? KCl4 कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हो तुम? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये तो मतलब ये तो ऐसी होगी क्या? ये रिएक्शन है यहाँ पे, लेकिन मतलब इधर यहाँ तक सॉल्ट तक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जनरली, तो इसलिए अच्छी रिएक्शन नहीं है क्या? ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि जो बन रहा है जो प्रोडक्ट, जैसे एमई, अगर मैं अमोनिया से कंपेयर करूँ MeNH2 को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है? MeNH2 पे ज्यादा है, तो वो तो बनेगा, वो तो और ज्यादा रिएक्ट करेगा। फिर बन रहा है क्या? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा है क्योंकि 2 मिथाइल हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा है क्योंकि 3 मिथाइल हो गए, ठीक है? तो बेसिकली रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, तो ये होगा रिएक्शन। मुझे याद नहीं आ रहा तुम किस रिएक्शन की बात कर रहे हो, पर शायद रेडिकल के अपने रीजंस होते हैं, इस रिएक्शन के अपने रीजंस होने के। रेडिकल रिएक्शंस मोस्टली इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो चेन रिएक्शन टाइप होती रहती है, इस वजह से, मतलब एक बार शुरू हो जाती तो रुकना मुश्किल हो जाता है उनका। बात करते हैं माइनस HCl की, RNH2 RCl। तो बेसिकली यहाँ से भी हमें फर्दर अगर मैं स्टेप्स करती रहूंगी तो मुझे क्या क्या मिलता रहेगा, मतलब हमें मिल जाएगा R4N+Cl-, ये मिल जाएगा इसका। वैसे एक्चुअली में नाम क्या होगा? टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, मूवी फिल्ट्रेशन की रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन किसमें काम आएगी? सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन में, ठीक है? तो प्राइमरी अमीन एक पीछे में मिला कहाँ से? हॉफमैन रोमाइड डिग्रेडेशन से। यहाँ से भी हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन ही मिल सकता है, और कोई अमीन हम इस मेथड से नहीं बना सकते। देखते हैं क्यों थैलीमाइड आ रहा है, ठीक है? थैलीमाइड, हमने एक थैलिक एसिड पढ़ा था, एक थैलिक एनहाइड्राइड पढ़ा था, अब यहाँ पे आ गया थैलीमाइड। ये लो बंधना, हो गया। चलिए देखो, पहले हम बनाते हैं थैलीमाइड, ठीक है? मतलब रिएक्शन ऑल्दो थैलीमाइड के आगे से है, लेकिन हम थैलीमाइड बनाना भी सीख लेते हैं। कहां से बनेगा? COOH से ही बनेगा। कौन सा एसिड है? थैलिक एसिड। तो एडजेसेंट पोजीशन में लगे होते हैं सेम ग्रुप्स, बेसिकली अमोनिया डाला, अमोनिया इज बेस, दिस इज एसिड, तो क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस सॉल्ट, इस तरीके का सॉल्ट बनता है। इसको हीट कर देते हैं तो 2H2 निकल जाते हैं, और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेसिकली 1H2 ऊपर वाले से, 1H2 नीचे वाले से, हमें मिलता है अमाइड दोनों पे। फिर इसको फर्दर हीट कर दो तो क्या निकल जाएगा? अमोनिया निकल जाएगा, एक माइनस अमोनिया। अब क्या बन जाएगा ये? दिस इज थैलीमाइड, ठीक है? इन दो ओ के बीच में ओ हो तो क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड, ये होता है थैलीमाइड। तो इसके आगे की रिएक्शन है, तो हम क्या डालेंगे इसमें? KOH डालते हैं। KOH है बेस है, क्या करेगा? एसिड बेस ही करेगा, और यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन दिख कौन सा रहा है हमें? NH वाला, तो वही एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो सी डबल बॉन्ड हो N नेगेटिव, C डबल बॉन्ड हो और ये, तो N नेगेटिव K प्लस साथ में, ठीक है? अब हम रिएक्शन में क्या डाल देते हैं? RX, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, RX हो गया, क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा? क्योंकि SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन ही कर रहे हैं बेसिकली, तो 1 डिग्री ग्रेटर है, 2 डिग्री होगा, ठीक है? तो वही सारे मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ से? C डबल बॉन्ड हो N, R, C डबल बॉन्ड हो N, ठीक है? तो ये मिल गया। अब इसका क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो। लास्ट स्टेप इस हाइड्रोलिसिस अपना प्रोडक्ट करने के लिए, RNH2 निकल जाएगा यहाँ से, और साथ में क्या निकल जाएगा? हमें अपना थैलिक एसिड वापस मिल जाएगा। तो C डबल बॉन्ड हो OH, C डबल बॉन्ड हो OH। तो बेसिकली बॉन्ड वीक होता है इस अमाइड में, CN का बॉन्ड,
मतलब उस वैसे वीक नहीं होता, लेकिन जैसे इस फॉर्म में इनका हाइड्रोलिसिस करना है इसे, तो हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिलकर यहाँ पे आर एन एच टू निकल गया और क्या हो गया, ये निकल गया। तो ठीक है, ये दो एन एच टू कहाँ से आ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस से ही आ रहे हैं, तो इस वजह से इससे हम प्राइमरी अमीन के अलावा हम और कोई अमीन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस वजह से नहीं बना सकते और हमें थैलिक एसिड वापस पड़ गया। तो पूरी रिएक्शन हमें याद रहे तो अच्छी बात है, कहीं पे भी काम आ सकती है। तो ये पूरी रिएक्शन है इसकी। अब हम और करते हैं रिएक्शंस, इसमें कपलिंग रिएक्शंस करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए, हमारे पास है OH, ठीक है, एंड आई हैव वन बेंजीन डाइजोनियम N2+, N2+ करके लिख रही हूँ, ऑब्वियसली एक अनायन होगा इसके साथ, ठीक है, पर फिलहाल मैं इसे ऐसे ही लिख रही हूँ। तो इस रिएक्शन में डाइल्यूट HCl होगा और ये रिएक्शन हमें क्या प्रोडक्ट देती है, हमेशा पैरा पे आके लगता है जो OH होगा, N डबल बॉन्ड N, ये हमने करा भी था कि कपलिंग में हमेशा क्या होता है, पैरा पे आके लगता है, शायद लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो पैरा ये क्या बनना है, पैरा हाइड्रोक्सी और एजोबेंजीन, ठीक है, एजोबेंजीन तो है ये, साथ में पैरा पे हाइड्रोक्सी है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब ये शोज क्या है, ठीक है, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बेसिकली सिस्ट्रांस बता सकता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कलर्ड पीपीटी होगी इसकी, कलर्ड पीपीटी, और एक्चुअली में कलर्ड पीपीटी किस रेंज में दिख सकती है, मतलब क्या क्या कलर की हो सकती है, डिपेंड्स ऑन लाइक येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो एजो डाई हम बोलते हैं, तो ये डाई है बेसिकली, और अच्छी खासी कलर्ड पीपीटीज की आती है। ठीक है, तो फिनॉल क्या करता है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके हमें ये देता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस इज वन ऑफ द कपलिंग रिएक्शंस। चलिए, मैकेनिज्म इसका इजी है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, मैं फिर से नहीं बता रही, हम काफी बार कर चुके हैं, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्ट करेगा, पैरा पे अटैक करवाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट वाली बात, और फिर वापस अपनी एरोमेटिसिटी अटेंड कर लेगा, हजार बार कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। चलिए, बस की पॉइंट्स लिख लीजिए थोड़े से, की पॉइंट्स क्या है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो है ये, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज PHNH2N2+, ये बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है। अब क्योंकि ये है, चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप एट फिनॉल ग्रुप एट फिनॉल, रेट क्या हो जाएगा, रेट जनरली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट डाइजोनियम, ठीक है, बस इतना लिखो। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो वाई वीक बेसिक मीडियम, चलो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, N2+ Cl- प्लस है, यहाँ पे क्या है, बीटा नेफ्थॉल। अब हमने नेफ्थॉल पे जैसे बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होनी चाहिए, बेसिकली इस पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है, तो बीटा नेफ्थॉल बना लेते हैं और लगा लेते हैं यहाँ पे पीएच, ठीक है, मतलब ये सॉरी पीएच नहीं, N डबल बॉन्ड N और फिर pH, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अब
मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा, आई होप ये समझ आ रहा है। ये होता है इसका कलर जो होता है येलो ऑरेंज पीपीटी, तो ये भी एक तरह से ये डाई ही है, येलो ऑरेंज पीपीटी, दिस इज ऑल्सो डाई। अगर रिएक्शन है अल्फा नेफ्थॉन के साथ एन टू प्लस सी एल माइनस एंड ओ एच यहाँ पे लगा है, तो अब ये अब कहाँ के लगेगा हमारा ये डाइजोनियम नेफ्थलीन डाइल्यूट NaOH। एक सेकेंड मैंने यहाँ पे डाइल्यूट HCl लगाया है, दिस इज डाइल्यूट NaOH। NaOH की प्रेजेंस में तो उस पे O नेगेटिव आएगा, दिस इज डाइल्यूट NaOH, इस पे O नेगेटिव आएगा, फिर ये पैरा से अटैक कर जाएगा। बताओ अब अल्फा नेफ्थॉल है तो क्या होगा, कहाँ पे अटैक होता है, या तो इस पोजीशन पे होता है, ठीक है ये तो ऑक्यूपाई है, लेकिन इसकी इक्विवेलेंट पोजीशन कौन सी है, ये है ना, दोनों इक्विवेलेंट ही है पोजीशन, तो कहीं पे भी अटैक करा लो, ठीक है। और किस रिंग पे अटैक होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेसिकली, तो मेरे पास वैसे तो दो रिंग है, ठीक है मैं बोलती कि यहाँ पे अटैक करा लो, नहीं क्योंकि इस रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो अटैक तो इसी पे आना होगा, पर क्योंकि OH ऑल्दो एक पोजीशन पे ऑक्यूपाई है, तो दूसरी पोजीशन उस पर करवा लेते अटैक, ये भर गई, फिर हम इस रिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो दिस यहाँ पे OH, और अब यहाँ पे ले आते हैं N डबल बॉन्ड एंड PH। चलिए बात करते हैं NH2 प्लस N2 प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा इसका कलर भी येलो ऑरेंज पीपीटी होगा, येलो ऑरेंज पीपीटी, तो सारे डायजो कंपाउंड्स क्या है, कलर्ड होने वाले हैं। चलिए तो आएगा तो पैरा पे ही NH2 N डबल बॉन्ड N और ये, ठीक है इसका कलर ये होता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है सिस ट्रांस बता सकते हैं हम इससे और इससे यहां से। और ये क्या होता है, येलो ऑरेंज पीपीटी, दिस इज ऑल्सो एजोडाई। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं जरा, हमने क्या लिया NME2 लिया प्लस यहाँ पे डाला N2 प्लस एंड SO3H, ये रिएक्शन करवाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली SO3H आराम से निकल जाता है, SO3H हट जाएगा NME2 और क्या होगा, ये जो एक सेकेंड एसोसिएशन, ये रिएक्शन तो यही होने वाली है N डबल बॉन्ड N, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज, ये किसका स्ट्रक्चर है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, नाम सुना है मिथाइल ऑरेंज, कहीं तो सुना होगा, जाना पहचाना सा नहीं लग रहा नाम। H2 नेगेटिव फ्लूइड डिटेक्शन के बारे में, कहाँ पे H2S fluid detection के लिए, H2S इंडिकेटर्स में पढ़ा, इंडिकेटर्स जब पढ़ते हो फिनोफ्थिलीन मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड, याद आया किसी को भाई, ये तो याद होने चाहिए, अभी ये भी तो पूछे जाएंगे, याद आया या नहीं आया। एक्चुअली में मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर ये होता है, नहीं याद आया, फिनोफ्थिलीन याद है स्ट्रक्चर, नहीं नाम सुना है बस, ठीक है तो ये तो पता है ना, इंडिकेटर्स है NME2 जो टाइट्रेशन में यूज होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में, N2 प्लस और यहाँ पे COH। ये
ये क्या होता है एन एम ई टू और यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन दिस, ये भी एक इंडिकेटर ही है, ये है मिथाइल रेट. ठीक है, दिस इज मिथाइल रेट. चलिए अब एक रिएक्शन करते हैं जरा. अगर मान लो हमें क्या करना हो, चलो ठीक है, मान लो मैंने नीचे कोई ग्रुप नहीं लगाया, N2 प्लस है सिर्फ. ठीक है, पहले SO3H लगाया था, यहाँ पे अब एक COOH लगा दिया था, पर ये सब किस पे, डायजोनियम पे, ना कि हमारी वैसी वाली रिंग पे. NMA2 and we will get this. इसका जो कलर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, मतलब इसका होता है बटर येलो, इसके कलर को बोलते हैं बटर येलो. तो बस जो भी है, तो बेसिकली जितने भी सारे हमने रिएक्शन करी सब क्या देती है, कपलिंग रिएक्शन दे रहे हैं. तो जैसे हमने क्या क्या किया, जैसे हमने ओ नेगेटिव के साथ कराई. ठीक है, ओ नेगेटिव ही गिवन हुआ तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में है डाइल्यूट NaOH है, तो इसकी प्रेजेंस में ओ पे ओ नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, फिर वो वहां पे पैरा पे आके नेगेटिव, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, जो जनरली हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में. तो ओ नेगेटिव भी करा सकता है रिएक्शन, OH भी करा सकता है रिएक्शन, NH2 भी करा सकता है रिएक्शन, NHR हो वो भी करा देगा ये रिएक्शन, NR2 भी कराएगा. एंड एक और स्ट्रक्चर होता है कुछ कैसा, ME, ME एंड ME. इस स्ट्रक्चर का नाम पता है किसी को, ये सारी क्या देंगे, कपलिंग प्रोडक्ट, कपलिंग प्रोडक्ट देंगे. पता है नाम किसी को, नहीं, इसका नाम होता है मेसिटिलीन, मेसिटिलीन. ठीक है, ये होता है. तो बाकी सब तो गेस कर पा रहे हो, लेकिन ये भी देता है. ठीक है, और किस पोजीशन पे देगा भाई, ये तीनों पोजीशन इक्वलेंट है, किसी पे भी दे दे. ठीक है, चलिए टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट फॉर अमीन्स. मैम एक बार लास्ट पेज करना, करती हूँ. मैम इसके बाद और क्या, कोई और भी कुछ बोल रहा है? मैम इसके बाद और इसके इससे पीछे वाला. अच्छा, यहाँ पे हम वीक बेस ही यूज करते हैं डाइल्यूट NaOH, मतलब वीक बेस यूज करना चाहते हैं हम, कंसेंट्रेटर बेस इसलिए भी नहीं यूज करते क्योंकि वो डायरेक्टली N2 प्लस पे अटैक कर देगा. लिख लेना इस चीज को, लिख, ये काम हो गया स्लाइड्स का. Why weak basic medium? PHOH, OH minus and PHO negative. ठीक है, तो weak basic medium basically base क्या करा रहा है, ये वाला काम करा रहा है जो कि आगे हमारा react कर लेगा electrophile के साथ. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि why not strong basic medium? तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम क्या करेगा, N डबल बॉन्ड N PH प्लस OH माइनस है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंसेंट, तो वो इसी पर अटैक कर इलेक्ट्रोफाइल को देने लग जाएगा बेसिकली, OH N N PH ये बना देगा. ठीक है, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट NaOH भी यूज किया, चाहो तो चीजें याद रख लो. चलो टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट फॉर अमीन्स, टेस्ट फॉर. पहला करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट. ठीक है, ये होता है प्राइमरी अमीन्स के लिए, फॉर प्राइमरी अमीन्स, फॉर वन डिग्री अमीन्स. चलिए तो क्या बोलता है ये, वन डिग्री, और ठीक है वन डिग्री ही है, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो कोई भी हो,
ये है मेरे पास और इसमें मैंने क्या डाला सी एच सी एल थ्री प्लस के ओ एच, ये मैंने लिखवाई भी थी पीछे क्या, अगर सी एच सी एल थ्री के ओ एच हम ओ एच फिनॉल पे डाल रहे थे तो ये रिएक्शन कहाँ कर हो रही थी, बेंजीन रिंग पे हो रही थी, और क्या मिल रहा था प्रोडक्ट बताओ, नेम रिएक्शन थी, क्या था नाम, रीमर रिएक्शन जो थी वो इसी रिएजेंट की प्रेजेंस में थी, बस फिनॉल पे हो रही थी। सेम रिएक्शन मैं एनिलीन पे करूंगी तो क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो ये टेस्ट है हमारा किसका, प्राइमरी अमीन का, तो टेस्ट है तो क्या पता कैसे चल रहा है, ये बेसिकली पता कैसे चल रहा है, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड जो होता है, बेसिकली आइसोसाइनाइड इन जनरल ये बैड स्मेलिंग होते हैं, बहुत गंदी स्मेल होती है इनकी, तो कुछ गंदी गंदी बदबू आने लग जाए तो समझ लो क्या प्राइमरी अमीन था, ठीक है। तो और इसको बोलते भी क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है, लिखवा भी चुके हैं पहले, थोड़ा सा छोटा सा मैकेनिज्म है वो भी देख लेंगे। सेम रिएक्शन आर एन एच टू के साथ भी होती है, सेम, तो यहाँ से आर एन सी मिल जाता है, इसको बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं जरा, ये हटाते हैं यहाँ से, इधर ही आ जाएगा। देखो पहले तो क्या बनेगा, पहला स्टेप तो वही है क्या, सी एच सी एल थ्री से क्या बन जाएगा, के ओ एच डालो, क्या बनेगा यहाँ से, चलो अब तो बता दो तुम लोग क्या बनेगा यहाँ से, कार्बिन, यस कार्बिन बन जाएगा सी सी एल टू, ठीक है, डी सी सी डाई क्लोरो कार्बिन बनेगा। अभी रिएक्शन की हमें करवानी है इससे एनिलीन से रिएक्शन, तो क्या हो रहा होगा, आई हैव दिस एनिलीन प्लस सी सी एल टू, ठीक है कार्बीन है, ये इस पर अटैक करेगा, कार्बीन मतलब कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है खुद ही कार्बीन को देने लग जाता है, बेंजीन रिंग पे जाने का कष्ट उठाता ही नहीं है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन खुद ही देने लग जाता है, तो सीएल सीएल, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें दो स्टेप में क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है क्या, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है, एक बार एचसीएल निकल गया माइनस एचसीएल, दूसरे स्टेप में फिर से ये वाला एचसीएल भी निकल जाता है दो बार, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस एचसीएल निकलेगा दो बार और क्या मिल जाएगा हमें, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बेसिकली बॉन्ड्स, क्योंकि एचसीएल निकलेंगे तो एन और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो हमें फाइनली आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा सा रिएक्शन है, यहीं पर हमने लिख लिया मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं टेस्ट फॉर, टेस्ट विद नाइट्रस एसिड, टेस्ट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड इज HNO2 एसिड, ये भी किसके लिए है, ये भी प्राइमरी अमीन्स के लिए ही है, नहीं ये वैसे औरों के लिए भी है, हम दो तीनों के लिए करेंगे। अगर मैं बात करूं 1 degree अमीन, I have taken RNH2 और इसमें डाला NaNH2HCl डालो या फिर क्या डालो, HNO2 डालो, HNO2 is nitrous acid, बन जाएगा Rn2+, डेल्जोनियम सॉल्ट तो बनेगा, एल्काइल में भी बनता है लेकिन बस थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो एकदम ही क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, R+ दे देता है और N2, N2 रिलीज होती है यानी कि गैस रिलीज होगी, तो गैस रिलीज होती है तो बबल्स की फॉर्म में रिलीज होती है, थोड़ा मतलब पता चलता है कि गैस रिलीज, बबल्स की फॉर्म में जरूरी नहीं हो, तब पता चलता है कि गैस रिलीज हुई है, जब जब रिएक्शन होती है अच्छी खासी गैस रिलीज होती है, तो जब भी हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराएंगे ऐसे नॉर्मल जो एरोमेटिक नहीं है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन जैसे होगी गैस रिलीज होने लग जाएगी, तो गैस रिलीज हुई यानी कि प्राइमरी अमीन था, ठीक है, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, और इसमें अगर हम H2 डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन है H2 डाल दो एल्कोहल मिल जाएगा। चलिए सेम रिएक्शन में एरोमेटिक अमीन्स के साथ करूँ, तो हम एलिफैटिक है या एरोमेटिक है ये भी पता लगा सकते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है या फिर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है, ठीक है। इसके लिए तुम कम टेम्परेचर भी लो ना, 0 to 5 degree सेल्सियस टेम्परेचर भी लोगे तो भी ये बनके डिसोसिएट हो जाएगा, इस टेम्परेचर में भी स्टेबल नहीं होता, N2+ Cl-, ठीक है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल है और इसके हम रिएक्शन करा सकते हैं, तो हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करा देते हैं बीटा नेफ्थॉल से, तो बीटा नेफ्थॉल से ये रिएक्शन देगा लेकिन ये वाला वैसे भी नहीं दे पाता, ठीक है, एरोमेटिक तो था ही नहीं, तो बीटा नेफ्थॉल क्या था, ये था, इसके साथ हमने रिएक्शन अभी करी है, इसके पीछे क्या बन रहा था,
इधर आ रहा था ये एन डबल बॉन्ड एन पी एच, ठीक है, और ये कलर देता है अच्छा खासा डाई है ये, तो येलो ऑरेंज पे भी ट्रीट देता है, तो हमें पता चल जाता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, बात करते हैं अगर सेकेंडरी अमीन हो तो, टू डिग्री अमीन हो तो क्या होगा। इफ आई हैव एलिफेटिक टू डिग्री अमीन, और क्या दिया हमने, NaNO2 दिया प्लस HCl या फिर HNO2, तो आई विल गेट R2N एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जो NO प्लस जो बनता है नाइट्रोसोनियम आयन जो बनता है वो यहीं पे आके ऐसे लग जाता है। और अगर हम बात करें बेंजीन की, मतलब सॉरी इसकी NHR की, टू डिग्री एरोमेटिक अमीन और सेम चीज डालें तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है बस एरोमेटिक फॉर्म में। तो बेसिकली इस N डबल बॉन्ड O की वजह से जो कलर आता है वो आता है ये जो हमें मिलता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो नाइट्रोसमीन नाइट्रोसमीन, और ये होता है येलो ऑयली लिक्विड। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एरोमेटिक है या एलिफैटिक है, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि सेकेंडरी है। प्राइमरी में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एलिफैटिक है एरोमेटिक है, ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, थ्री डिग्री की बात करता है, थ्री डिग्री अमीन की बात करता है, तो आर थ्री एन इफ हैव टेकन NaNO2HCl, कोई रिएक्शन नहीं देगा इसके साथ। ठीक है, इसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। और अगर हम ये कर लें Nr2 और ये करें तो क्या रिएक्शन होनी चाहिए इसके साथ, क्या लगता है? नो रिएक्शन। क्या नो नहीं रिएक्शन? देखो क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल तो बनता ही है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये वाला, और ये क्या है, बेंजीन रिंग Nr2, तो नीचे तो शो करेगा ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो कर देगा, दिख जाएगा एनो आके। ठीक है, ऐसे हमें चीजें रिलेट करनी है। चलिए बात करते हैं विच रिएक्शन, चलो क्वेश्चन है, मान लो आंसर देना, अभी पढ़ा है तो दे ही देना सब लोग आंसर। क्वेश्चन है विच कंपाउंड्स विल गिव EASR with NaNO2 plus HCl। ठीक है, या EASR ना बोल के, हाँ EASR, ठीक है चलिए बात करते हैं। ए है अगर O, ये है मेरे पास OH। ठीक है, B की बात करते हैं NHR, C की बात करते हैं NH2, और D की बात करते हैं Nr2। कौन कौन दे सकता है Nr2, कौन कौन दे सकता है इसके साथ रिएक्शन? BCD। कौन? BC और D। BC और D रिएक्शन तो तुम करवा रहे हो, लेकिन ये तो देख लो कौन सी करानी है, EASR। ठीक है, ये वाली रिएक्शन नहीं करवानी, टेस्ट वाली की बात नहीं करी मैं, EASR की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो क्या लगेगा, NO आके लगना चाहिए, तो NO किस किस पे आगे लग सकता है? D और A। हाँ, तो D और A पे ही होगी रिएक्शन। ठीक है, और बाकी लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं, A और D पे होगी क्योंकि OH के, देखो जो बेसिकली ऊपर से नहीं रिया, देखो ये NaNO2 दो जगह पे रिएक्ट कर सकता है, या तो रिंग पे अटैक कर ले या जो ऊपर ग्रुप लगा है उस पर अटैक कर ले। OH में ऊपर वाले ग्रुप के साथ अटैक नहीं करता, कुछ रिएक्शन नहीं होती, बेंजीन पे अटैक होता है। और अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन पे अटैक नहीं हो रहा, इसमें बेंजीन पे अटैक हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा था प्राइमरी एरोमेटिक अमीन अभी करवाए थे ना, उसके साथ रिएक्शन क्या हो रहा था, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट बन रहा था, तो उधर तो ऊपर रिएक्शन हो रही है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब बेंजीन रिंग पे रिएक्शन नहीं हो रही। और जब ये सेकेंडरी था तब भी क्या हुई थी, तब भी नहीं हुई थी, तब भी नाइट्रोसामीन बना था। ठीक है, तो हमें ESR का पूछा है, ESR का पूछा है तो कौन कौन रिएक्शन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये दूसरी रिएक्शन देगा, ये ESR नहीं देगा। ठीक है, अगर बोले कि बताओ रिएक्शन ही कौन करेगा तो चारों करेंगे, ESR का पूछा तो ये करेगा, और ऊपर वाले ग्रुप का पूछा हो कि ऊपर वाले ग्रुप के साथ कौन एसिड बेस्ड रिएक्शन कौन करेगा, तो बी और सी करते। ठीक है सबके लिए? Yes, ma'am।
वही बाकी सब लोग भी। चलिए, वी हैव टू स्टडी साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बेसिकली देखो क्या है, सी एन न्यूक्लियोफाइल के बारे में है ये, सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा होता है? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसके इस वजह से काफी हमारे रिएक्शंस में थोड़ा फर्क आता है, देखता है कैसे। आर एक्स है, अगर मैंने क्या लिया, केसीएन लिया, तो पता ही तो एनसीईआरटी में है एक पार्ट, क्या बनेगा, क्या बनता है, साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों बनता है आर्सो? क्योंकि आयनिक है तो के प्लस और सी एन माइनस में टूटा हुआ होता है। और जब मैं के प्लस और सी एन माइनस की बात करती हूँ, तो सी एन की जब बात करी तो उसमें सी और एन में से कौन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, सी बींग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम बोल सकते हैं, सी बींग कार्बन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जब वो पूरा आयनिक फॉर्म में टूटा हुआ है तो क्या होगा, वो कार्बन से अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन फ्री अटैक करने के लिए, और कार्बन एक्चुअली में स्ट्रॉन्गली भी अटैक करता है, तो वो क्या बनाएगा, आरसीएन, वो बनाएगा साइनाइड। अगर मैं सेम रिएक्शन करवाऊंगी AgCN से तो क्या होगा, Ag, अब Ag क्या है, कोवेलेंट है, वो आयनिक फॉर्म में नहीं टूटा हुआ होगा, यानी कि Ag और C का बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो नहीं टूटा हुआ। अब फ्री कौन है, तो C तो अटैक कर नहीं सकता, अब नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो अब क्योंकि नाइट्रोजन अटैक करता है RX पे, तो क्या बनता है, RNC। ठीक है, दिस इज आइसोसाइनाइड। तो इसका रीजन है ये, क्योंकि AgCN क्या है, कोवेलेंट है, और KCN क्या है, आयनिक है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, अल्काइल आइसोसाइनाइड। चलिए देखिए क्या होगा, पीछे देखते हैं। RX CN माइनस कहाँ से आ रहा है, KCN से आ रहा है। ठीक है, ये अटैक करेगा इसमें पीछे से और ये बना देगा RCN। बात करते हैं अगर AgCN यहाँ पे लिख लेते हो, Ag C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एक ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप, नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, नॉर्मल बॉन्ड होगा, और क्या हो, RX हो। अब कौन अटैक करेगा, क्योंकि C तो बॉन्डेड है Ag से, तो ये अटैक करेगा इस पे और ये निकल जाएगा ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा, RNC। दिस इज इज अल्काइल आइसोसाइनाइड एंड दिस इज अल्काइल साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये था कुछ इसके बारे में। चलिए, अभी जो साइनाइड ग्रुप होते हैं, इनके हाइड्रोलिसिस बहुत इजी होती है करना, तो हम H प्लस एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत क्या, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। तो H प्लस एच टू या फिर OH माइनस एच टू से करेंगे तो क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या इसकी हाइड्रोलिसिस करना बहुत आसान भी है। तो बेसिकली स्टेप्स पे होती है, लेकिन एक्चुअली में एंड प्रोडक्ट यही है। तो क्या बनता है, पहले बनता है अमाइड बनता है इससे। अमाइड का हाइड्रोलिसिस अगेन करना बहुत इजी है। ठीक है, पीछे भी क्या था, जब हमने थैलेमाइड वाली सिंथेसिस में किया था, तो क्या करते हैं, क्या बना था H2 डालने से, सॉरी हाँ, आर सी डबल बॉन्ड हो, क्या बन जाता है यहाँ पे, क्या मैंने कुछ अजीब बनाया है, ठीक है, ओ नेगेटिव NH4+, और फिर फाइनली मिल जाएगा यहाँ पे माइनस अमोनिया निकल जाएगा और बन जाएगा इससे RCOH। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में यही हुआ था। ठीक है, जो हमने वापस से क्या बनाया था, थैलिक एसिड बनाया था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में। चलिए, तो इससे यही हुआ था। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोलिसिस करना बहुत ईजी है, ये स्टेप्स है, लेकिन अल्टीमेटली मिलता यही है, बीच में कहीं रिएक्शन रुकती नहीं है, सीधे होती चली जाती है। बात करते हैं अगर RNC की, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, H2। ठीक है, ये डाला तो हमारे पास है क्या, H प्लस, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर एन डबल बॉन्ड सी प्लस एन नेगेटिव, ऐसे भी दिखा सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक है, प्लस माइनस दिखा दो, नॉर्मल सिंपल बॉन्ड दिखा दो, एरो वाला बॉन्ड ना दिखा के, आजकल ऐसे ही दिखाया जाता है, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री में एच प्लस। चलिए, तो ये एच प्लस क्या है, इस पर अटैक कर लेता है, तो क्या होता है बेसिकली, ये बॉन्ड भी और ये अटैक करता है और ये बॉन्ड भी ऐसे टूट जाता है, तो हमारे पास एक्चुअली में एन तो न्यूट्रल, सॉरी ऐसे नहीं टूटता, ऐसे टूटता है, एन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेता है नेक्स्ट स्टेप पे, तो बेसिकली एन तो न्यूट्रल बना लेता है तीन बॉन्ड्स, सी पे एक बार एच है, क्योंकि तीन पे एक ही, सी पे एक ही एच है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है फाइनली। ठीक है,
अब क्या होता है इसमें H2 का हम करवा देते हैं अटैक, वाटर है हमारे सॉल्यूशन में, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अटैक करेगा इस पे, क्या बनेगा R N डबल बॉन्ड C HOH, यहां से क्या बन सकता है, यहां से हो जाती है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी तो क्या होगा बेसिकली R NH C डबल बॉन्ड OH, यहां से बनना बहुत इजी हो जाता है RNH2 प्लस HCOH, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, हाँ हाँ, तो ये वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें इसके, ये इससे क्या मिला, ये मिला, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करी, क्या कोई कार्बन एटम कुछ कम नहीं हुआ, हाइड्रोलिसिस करी क्या मिल गया एसिड, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करी तो इस N का क्या बन गया NH2 और यहाँ से क्या बन गया COH, तो ठीक है इधर भी कार्बन का COH ही बन रहा था और N का अमोनिया ही बन रहा था, यहाँ पे भी N से NH2 ही बन रहा है और कार्बन का HCOH एसिड बाहर निकल जा रहा है, बस डिपेंड है यहाँ पे अमोनिया बाहर निकल रहा था, यहाँ पे एसिड बाहर निकल रहा है पोजीशन इंटरचेंज होने से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है इसमें। चलिए इप्सो सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लास्ट रिएक्शन इसमें बेसिकली, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा आज, कुछ अजीब लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो बताओ। देखो इप्सो पोजीशन क्या बोली थी, कोई भी ग्रुप है तो जिस पे भी वो लगा है ये पोजीशन क्या होती है, इप्सो पोजीशन होती है, तो मैं बेसिकली इस पे ही सब्स्टिट्यूशन करानी है, ठीक है डायरेक्टली। तो क्या होगा, जैसे ही ग्रुप है तो हमने बाकी वाली सब्स्टिट्यूशन तो बहुत करा दी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, हम ये अभी वाली सब्स्टिट्यूशन करानी है, और ये एकदम स्पेशल केस टाइप है, मतलब ये रिएक्शन बस यही देखने को मिलेगी, इसके रूल्स कहीं और मत लगा देना, ये है। तो क्या होता है एक्चुअली इसमें, एक पॉइंट ऐसा होगा जब हमारा क्या है जी भी अटैक हो रखा है, ई का भी, जैसे ई का जब अटैक करवा देंगे तो पॉजिटिव आ जाते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है, और फाइनली जी निकल जाएगा ग्रुप, तो माइनस जी प्लस निकलेगा और क्या मिल जाएगा हमें, इप्सो पे सब्स्टिट्यूटेड चीज लगी होगी, ठीक है। तो ऐसी वाली सब्स्टिट्यूशन होती है कुछ इस पे। चलिए तो देखते हैं क्या होगा, कुछ रिएक्शन कर लो जो एक्चुअली में इप्सो सब्स्टिट्यूशन देती भी है, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में, मतलब जो नॉर्मल लिखना है, मेन चीज कुछ और बतानी है अभी। SO3H है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H प्लस H2 डाल देते हैं, इजिली निकल जाता है ये, ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसके जगह क्या H आ जाता है, तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन मानेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं जरा, एक और क्या देखते हैं, बात करते हैं इसकी, आई हैव दिस OH एंड COH, अब ये रिएक्शन भी शायद नहीं देखी है पहले, अब देख लो, लेकिन Br to Fe OH Br और COOH, ठीक है, ये Br यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, इसके पैरा पे आ गया, Br to Fe फिर से डाला, अभी सिर्फ पैरा पे क्यों आया, जब हम फिनॉल पे कराते हैं तब तो तीनों जगह पे आ जाता है, अगर Br to Fe डालते हैं, यहाँ पे सिर्फ पैरा पे क्यों आया, रीजन सोच सकते हो, मैम यहाँ पे हमने प्रोटेक्ट किया है ग्रुप, नहीं प्रोटेक्शन तो हुई नहीं, प्रोटेक्शन जब होती है जब ओ पे कुछ लगा हो, एसाइल ग्रुप लगाओ, प्रोटेक्शन तो नहीं हुई, सोचो सोचो, मैम वो वाला रीजन लगेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग वाले के मेटा पे जाएगा, नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो वैसे है ही नहीं, OH तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, COH है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और एक्चुअली रीजन भी कहीं यहीं पे छुपा हुआ है इन बातों में, फिर तो मैम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के पैरों पे जाएगा ना। देखो मैं क्वेश्चन तुम्हें याद दिला रही हूँ, कौन सा, मैं एक्चुअली मुझे याद दिला रही हूँ, मैं दिला रही हूँ कि अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं इस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH और COH, तो इधर तो आ सकता था Br, इस वाली पोजीशन में तो आ सकता था, यहाँ पे क्यों नहीं आया, तो हमें प्रोडक्ट मिलता था कुछ ऐसा, Br सॉरी OH Fe 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 क्यों लगा रही हूँ, Br Br मतलब Br Br and Br, ये
मतलब तीन जगह पे आ जाते थे ब्रोमीन, ठीक है, अब बस एक जगह पे क्यों आ रहा है? फिनॉल तो अब भी है, मतलब OH तो अब भी लगा हुआ है। SIR नहीं, SIR भी नहीं है यहाँ पे, OH पे तो नहीं ही होता शायद, छोटा सा ग्रुप है। देखो फिनॉल पे हो रही है, लेकिन जब फिनॉल पे हमने क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, तो एक ही प्रोडक्ट में एक ही बीआर आके लग रहा है। बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है सीओएच का, तो सीओएच ने क्या करा होगा, ब्रिंग की थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी होगी। समझो OH पे इतने सारे बीआर क्यों आ रहे थे, इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहे थे, क्योंकि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इस वजह से क्या हुआ, अब हमारे सिर्फ एक ही पोजीशन में बीआर मिल रहा है, ठीक है। ये काम हम पहले भी कर सकते, जैसे हमने जब पहले प्रोटेक्शन करी सेम काम के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन करी थी, क्योंकि प्रोटेक्शन इसलिए करी थी क्योंकि एक बार जब हमारा काम हो जाता है तो प्रोटेक्शन को हटाना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे सीओएच हमने लगाया है, सीओएच को हटाने के लिए हमें फिर से बीआर टू एफ डालना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हमारा जो चीज, मतलब वो सीओएच को हटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बेसिकली मैं कह रही हूँ। हमने अब ये हटेगा, देखो कैसे, ये बी आर टू एफ ए से हटा देता है बी आर, सॉरी चलो ऐसे लिख लो, इससे पहचान जाओगे, और बी आर, ठीक है, और फिर से बी आर टू एफ ए डालता है। बेसिकली उस केस में क्या होता है, वो प्रैक्टिकली करना बहुत इजी होता है, इसलिए हम नॉर्मली एक बी आर लगाने के लिए वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें इप्सो सब्स्टिट्यूशन सिखा रही हूँ, क्या डायरेक्टली बी आर क्या है, इसको सीओएच को रिप्लेस कर देता है सेकंड स्टेप पे, क्या एक बार यहाँ पे बी आर आ गया, दूसरी बार हम करेंगे तो बी आर एक्चुअली में इसी को रिप्लेस कर देगा, और तीसरी बार बी आर फिर से यहाँ पे आ जाएगा, बी आर बी आर बी आर बी आर। तो ये वाली रिएक्शन इप्सो का वो है, एग्जाम्पल है इप्सो सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये चीज दिखाना चाह रही थी मैं बस, सेम चीज उसी के साथ भी होगी, अगर मैं बी आर की जगह दूसरा लगाना एनओ टू ग्रुप लगाना चाहूँ, बेसिकली ओ एच सी ओ ओ एच एच एनओ थ्री एच टू एस ओ फोर, ठीक है। अब वहां पे भी देखो OH पे सिर्फ क्या एनओ टू तीन तीन आ जाते थे, लेकिन वो अच्छे नहीं होते थे वैसे तो, क्योंकि क्या था, क्या रीजन था, मतलब वो प्रोडक्ट बहुत कम मिलता था हमें, याद है कुछ? Yes, क्या याद है, क्या मिलता था हमें? मेटा कंपाउंड ज्यादा मिलते, मेटा मेटा वाला रीजन है ही नहीं, मेटा तो हमें बस नाइट्रोजन वाले केस में मिला था जब हमने एनिलीन लिया था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्योंकि ये क्या, ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये क्या कर रहा था, मेजर प्रोडक्ट्स क्या दे रहा था हमें, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स दे रहा था, कि बॉन्ड क्लीवेज टाइप हो जा रही थी, हमने बस लिख दिया था क्या, बहुत सारे हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेंगे, साइड में थोड़ा सा लेस देन 10% पिक्रिक एसिड मिल रहा था, ठीक है। तो ये था वहां पे, चलिए तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, एंड ये COOH हट जाएगा, मतलब सेम मैं HNO3H2SO4 डाल दूंगी फिर से, तो और फिर से HNO3H2SO4 डाल दूंगी, तो फिर से क्या मिल जाएगा, I will get this OH NO2 NO2 NO2। तो ये एक फिर भी अच्छा मेथड है थोड़ा पिक्रिक एसिड बनाने का। देखो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया HNO3 इसको पूरा रिंग को ऑक्सीडाइज, क्योंकि वही रीजन, वो ऑक्सीडाइज पहले से क्यों कर पा रहा था, ऑक्सीडाइज बेसिकली इससे इलेक्ट्रॉन्स क्यों ले पा रहा था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत थे। अब क्या हुआ, COOH ने इससे इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, तो अब यहाँ पे अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर इतना दिखा नहीं पा रहा। तो ये फिर भी एक अच्छा मेथड है पिक्रिक एसिड बनाने का, डायरेक्टली फिनॉल की नाइट्रेशन करना अच्छा मेथड नहीं था। समझ लो कि विड्रॉइंग इफेक्ट का क्या असर पड़ जाता है इन चीजों पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे, बहुत कनेक्टिव सी चीजें हैं, कनेक्टेड सी हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, और किसी को वैसे कुछ डाउट्स पूछना है, नहीं तो फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स का वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला बताती हूँ। कुछ पूछना है आज की क्लास में वैसे कुछ नहीं, चलो वेट एक सेकेंड। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाली चीज हमें डिस्कस करनी है।
शिट।